हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन किए थे और आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन खुद से कॉपी में अच्छे से किए होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज हम 7.4 पॉइंट पढ़ेंगे, देन उसके बाद में एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्लियर? हमने सर्वांग समता पढ़ा था त्रिभुजों की और उसको बाय द सीपीसीटी रूल से हमने पहले सर्वांग समता प्रूफ की थी और उसके बाद में हम जब प्रूफ हो जाते हैं तो उसकी सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती है बाय द सीपीसीटी रूल। इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक का पार्ट देखा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक त्रिभुज के कुछ गुण। देखो, अब पिछले अनुच्छेद में आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता की दो कसौटियों का अध्ययन किया था। आइए इन परिणामों में एक ऐसे त्रिभुज के कुछ गुणों का अध्ययन करने में प्रयोग करेंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। अब बताओ, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं? समबाहु। क्लियर? समद्विबाहु और समबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए 3.5 लंबाई की है और एक भुजा, मतलब दो भुजाएं तो आपकी 3.5 है और एक भुजा मेरी 5 सेंटीमीटर के, यानी वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजाएं समान हो गई। आप पिछली कक्षाओं में ऐसी रचना कर चुके हैं तो आपको याद होगा कि इस त्रिभुज को क्या कहते हैं। देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसको क्या कहते हैं। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। अतः आकृति 7.24 में त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, दो भुजाएं समान है ना, 3.5 और 3.5 की। अब हमको बी और सी को मापिए। अब अगर मैं बी कोण बी और कोण सी को मापूं तो वो भी सदैव बराबर होंगे, ये बात आप ध्यान रखना। तो विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं भुजा ए सी की बात करी हूँ तो ए बी की बात करी हूँ तो उसका सम्मुख कोण है सी, और अगर मैं ए सी की बात करी हूँ तो उसका सम्मुख कोण है बी, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अब जैसे दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, तो इनके सम्मुख कोण बी और सी, ये भी बराबर होंगे। जैसे दो भुजाएं बराबर हो गई तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये हमको कहना चाह रहा है। तो विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर क्रियाकलाप को दोहराइए। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अतः यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है और प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए सत्य है। ऐसा मतलब कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसका सामने वाले कोण भी समान होंगे, जो उन भुजाओं के सामने वाले कोण हैं वो दोनों, तो वो भी सदैव समान होंगे। तो ये कोई सा भी समद्विबाहु त्रिभुज आप ले सकते हो। अब देखो, ये मेरी प्रमेय 7.2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये दो भुजाएं हैं, उसके सम्मुख कोण बी और सी, ये भी बराबर होंगे, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो, सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी लिया मैंने जिसमें ए बी बराबर है ए सी, ये हमको गिवन है, दिया है। हमें सिद्ध करना है कि बी कोण बी बराबर है कोण सी के, ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं, ये हमको सिद्ध करना है। तो करें स्टार्ट। यस, तो हमने इसमें दो त्रिभुज लिए हैं, बी ए डी ये वाला और दूसरा है सी ए डी ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो त्रिभुज हैं। अब इन दोनों में हम सर्वांग समता सिद्ध करने वाले हैं। या देखो, अभी हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी, ये ए बी है वो ए सी के बराबर है, कैसे हमको दिया है। देखो, रीज़न भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने कैसे प्रूव किया ए बी इक्वल टू ए सी, तो आपने बोला दिया है। नेक्स्ट, एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, अब देखो बी ए डी कहाँ है, बी ए डी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर हैं। क्यों? रचना से हमने क्या एक समद्विभाजित रेखा खींची है, तो जो एंगल वो हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है, तो यानी वो दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये रचना से। और ये ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी दोनों में उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, तो त्रिभुज बी ए डी ये वाला त्रिभुज
और ए सी डी सेकंड वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे। और कौन सा नियम? साइड एंगल साइड। पहले देखो, पहले तो साइड, फिर ये मेरा एंगल और फिर मेरी साइड, तो कौन सा सर्वांगसमता नियम है? साइड एंगल साइड। तो इसीलिए अब मैं कह सकती हूँ कि एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी, यानी ए बी डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सर्वांगसम होगा। कैसे? बाय द सीपीसीटी रूल, ये हम कह सकते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्लियर। अब इसका विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कि उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। क्लियर है? देखो, अब ये कोई त्रिभुज एबीसी की रचना की है जिसमें बीसी किसी भी लंबाई वाली एक भुजा है ये, और कोण बी और कोण सी के बराबर है, दोनों है 50-50 डिग्री। अब ए का समद्विभाजक खींचना है, जैसे हमको ए को क्रॉस करना है। जैसे नॉर्मली आप एक त्रिभुज बनाइए पेपर पे, उसको और समद्विबाहु होना चाहिए, या फिर जिसे उसके दो कोण बराबर होने चाहिए ये 50-50 डिग्री के। और आप बी सी नीचे वाला जो बेस लाइन है ना, वो आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, उसके बाद में एक डी लेके उससे मैंने 50 डिग्री का एंगल बना दिया, इधर भी मैंने 50 डिग्री का बना दिया। अब वो एक कहीं क्रॉस होगी, अब उसको पेपर को कट कर लेना है, अब उस पेपर को फोल्ड करना है। तो आप देखोगे कि जो ए बी है वो पूरी की पूरी ए सी पे ओवरलैप होगी। ऐसे जब मैंने फोल्ड किया ना बीच से, तो पूरी की पूरी ए बी ए सी के ऊपर ओवरलैप होगी, मतलब उसको पूरा ढक देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी इक्वल टू ए बी है, ए सी ए बी के बराबर है कि नहीं है। तो देखो, उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि अगर भुजाएं दोनों बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। और अगर मैंने उल्टा बोला कि अगर सम्मुख दो कोण बराबर हैं तो उनके जो सम्मुख भुजाएं हैं ना वो बराबर होगी, मतलब हम दोनों चीज़ें वाइस वर्सा बोल सकते हैं। तो ये ही, अब देखो ये अब उसका उल्टा बोल रहा है। प्रमेय 7.3, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब देखो इसने उल्टा पूछ लिया कि अगर कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होगी। तो यह प्रमेय 7.2 का विलोम है, और आप इस प्रमेय को एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम से सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि देखो, बीच में साइड थी और दोनों 50-50 के एंगल थे ये वाले, तो जब दो एंगल और उसके बीच की भुजा हो तो कौन सी प्रमेय है? एंगल साइड और एंगल सर्वांगसमता से हमने प्रूव कर लिया। तो हम दोनों बातें बोल सकते हैं। पहली, जब दो भुजाएं समान हो त्रिभुज की तो उनके सम्मुख कोण समान होंगे। और दूसरा, उसका उल्टा, अगर दो सम्मुख कोण, जैसे दो कोण उसके समान हैं तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समान होगी। ये किसमें लागू होगा? समद्विबाहु त्रिभुज में, ये हमेशा ध्यान रखना। चले आगे, अब हम करते हैं उदाहरण। चार, त्रिभुज एबीसी है, इसमें ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। जैसे ये कोई एडी मैंने लंब डाला है, वो बीसी पर लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री है। तो एक हिंट हमको ये मिल गया। दूसरा, ही समद्विभाजक है, यानी वो ए कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। दो चीज़ें हमको पता चल गई। हाँ, अब हमको ये दर्शाना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है कि नहीं, और ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना है। करें स्टार्ट। देखो, हमने लिए दो त्रिभुज, कौन कौन से? फर्स्ट ये वाला जिसको मैं बोलूँगी बी ए डी, दिस वन। दूसरा मैंने लिया ए सी डी, ये वाला। दो त्रिभुज ले ली, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो, इसमें सर्वांगसमता सिद्ध करने का नियम, कोई भी तीन चीज़ें समान कर देती हूँ मैं। करूँ स्टार्ट। देखो, ये मैंने ये बोला, ये वाला जो छोटा एंगल है वो इस छोटे एंगल के बराबर है, तो मैं लिख सकती हूँ बी ए डी इक्वल टू सी ए डी होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, क्योंकि वो ए, उसको ए जो रेखा ए डी है ना, वो उसको समद्विभाजित कर रही है, तो ये हमको दिया है। नेक्स्ट, ए डी इक्वल टू ए डी, ये ए डी है तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं इक्वल टू। थर्ड, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, ये देखो ये एंगल दोनों 90 के हैं कि नहीं है, क्योंकि वो लंब थे, लंब है उसके ऊपर ए डी बी सी के ऊपर, तो ये दोनों 90 डिग्री के। तो देखो, अब इसमें एक कोण हो गया, दूसरी भुजा हो गई और तीसरा कोण हो गया, तो कौन सी सर्वांगसमता हो गई इसमें, बताओ? अब बताओ, इसमें एक तो हो गया कोण, दूसरी, सॉरी, कोण को मैं ए से डिनोट करूंगी,
एक हो गया मेरा कोण जिसको एंगल, दूसरा मेरी भुजा जिसको मैं साइड, और तीसरा मेरा कोण तो यानी एंगल। तो कौन से सर्वांग समता, एंगल साइड एंगल नियम से मैंने ये प्रूव कर दिया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ए बी डी सर्वांग सम है ए सी डी के, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है ना, बिल्कुल है। तो अब मैं ये कह सकती हूँ जब ये सर्वांग सम है कि ए बी और ए सी इक्वल है, क्यों, बाय द सिंप्लिसिटी रूल। जब अगर सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध हो गए हैं तो उसके बाद में उसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी, तो उस रूल के अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि ए बी इक्वल टू ए सी बाय द सिंप्लिसिटी रूल। तो इसी कारण अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं। चलो अब उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। ये कोई उदाहरण है, इसमें ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो हमको ये दर्शाना है कि बी एफ इक्वल टू ये बी एफ इक्वल टू ई सी, ये वाली भुजाएं हमको बराबर दर्शानी है। और इसमें दिया क्या है कि ये छोटी वाली बराबर है। देखो अब हमको त्रिभुज कौन कौन से लेने, देखो एक तो ए बी एफ ये वाला, और दूसरा लेना है ए सी ई ये वाला, दोनों ऊपर ऊपर वाले त्रिभुज हैं। तो अब फर्स्ट कंडीशन में लूंगी ए बी इक्वल टू ए सी। अब पहले ए बी इक्वल टू ए सी कहाँ है, देखो ये मेरा ए बी पूरा, ये इक्वल टू ए सी, ये मेरे को दिया है ए बी सी की बराबर। हाँ देखो त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाएं ए बी इक्वल टू ए सी, ये बोला है कि बराबर भुजाएं हैं, तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी है, ये मुझे दिया है। अब कोण ए दोनों में आ रहा है, कॉमन है ना दोनों में, तो मैंने लिख दिया कोण ए इक्वल टू कोण ए, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तीसरा अब ये बोल रहा है कि ए एफ इक्वल टू ए ई होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन की, हाँ के ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए सी और ए बी के मध्य बिंदु हैं। जब वो दोनों बराबर है तो उनका मध्य बिंदु भी बराबर ही होगा, यानी वो अगर 4 सेंटीमीटर की है तो उनका मध्य बिंदु 2 पे होगा, यानी वो दोनों आपस में बराबर होगी। तो यानी ए एफ और एफ सी भी बराबर है और ए ई और ई बी भी बराबर है, इसका मतलब ये है। तो मैं कह सकती हूँ कि ए एफ इक्वल टू ए ई लिख सकती हूँ ना, क्योंकि बराबर भुजाओं के आधे भाग। तो फिर मैंने इस अकॉर्डिंग कितनी, फर्स्ट तो मेरी साइड, दूसरा एंगल, तीसरी साइड, यानी कौन सा रूल हो गया, साइड एंगल साइड रूल से मैंने त्रिभुज ए बी एफ को सर्वांग सम किया ए सी ई के, तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। अब जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो मैं कह सकती हूँ कि बी एफ इक्वल टू ई सी, कैसे, बाय द सिंप्लिसिटी रूल। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उसके बाद में आप उसकी कोई भी भुजा और कोई भी कोण बराबर कर सकते हैं। तो बस मैंने बी एफ इज इक्वल टू सी ही कर दिया। करें आगे एग्जाम्पल 6। यस एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, ये कोई मेरा ए बी सी पूरा त्रिभुज है और समद्विबाहु है, यानी उसकी ए बी और ए डी बराबर है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी ये दे रखा है। भुजा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं, ये कोई डी और ई कोई भी दो बिंदु हैं, के बी ई बी ई देखो वापस बी ई ये इतनी वाली बराबर है सी डी के, मतलब ये इतनी स्पेस के, ये और ये आपस में बराबर है, यानी डी दोनों में कॉमन है, ये बात ध्यान रखना। तो हमको ये दर्शाना है कि ए डी इक्वल टू ए ई है। अब ए डी कहाँ है, ये ए डी, ये और ये भुजा बराबर है कि नहीं, हमको ये दर्शाना है। करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले हमने त्रिभुज लिए, मैंने त्रिभुज लिया ए बी डी ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, और इधर लिया ए सी ई ये वाला, दोनों छोटे छोटे त्रिभुज लिए। करो स्टार्ट। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी कैसे पता चला, हमको गिवन है, दिया है। कोण बी इक्वल टू कोण सी कैसे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इन दोनों, जैसे अगर मैं सिर्फ त्रिभुज ए बी सी की बात करूं, ये कोई मेरा अगर पूरा त्रिभुज होता और इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो उसके सम्मुख कोण पूरा बी और सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब मैंने छोटा ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, कोण तो दोनों बराबर ही है उसी कंडीशन में भी, तो मैं लिख सकती हूँ कोण बी बराबर कोण सी के, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर है,
और आपको रीजन तो हमेशा लिखना है, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली, आपको मेंशन करना मस्ट है, बहुत जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन सही माना जाएगा, वरना आपको आते हुए भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, कोण बी इक्वल टू कोण सी ये मैंने लिख दिया, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये रीजन लिख दिया। थर्ड, बी इक्वल टू सी डी, अब बी का है ये वाला इक्वल टू सी डी, ये इसके बराबर है, ये भी मेरे को दिया है। अब देखो मैंने क्या टेक्निक यूज करी, देखो बी को ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है, और सी डी कहाँ है, ये नीचे वाला देखो, ये इतना इतना है कि नहीं है, दोनों है बराबर। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों में से डी ई माइनस कर सकती हूँ, क्योंकि बराबर चीज माइनस करी हूँ, मैं कोई ज्यादा माइनस नहीं करी हूँ, तो मैंने दोनों में से बराबर माइनस कर दिया, मैंने डी इधर से भी माइनस कर दिया, मैंने डी इधर से भी माइनस कर दिया। अब जब ये डी हटा दिया मैंने, तो अब इसके पास क्या बचा, सिर्फ बी डी रह गया कि नहीं रह गया, रह गया। इसके पास क्या रह गया, बस इतना सा पार्ट रह गया, तो सी ही रह गया। तो मैं कह सकती हूँ कि त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, बिल्कुल है, ठीक है। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, दो भुजाएं और एक कोण, और उस अकॉर्डिंग में ये कह सकती हूँ कि ए डी ये और ए ई दोनों इक्वल होंगे बाय द सीपीसीटी रूल। क्लियर, एग्जांपल समझ में आया अच्छे से, करें एक्सरसाइज स्टार्ट। चलो आज हम प्रश्नावली 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, उसमें ए बी और ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी, हमको कोई समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। देखो ये वाला डायग्राम इसका नहीं है, ध्यान रखना है, कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये डायग्राम इसका दे रखा है, नहीं। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, और बी और सी के समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ए और ओ को जोड़िए और दर्शाइए कि ओ बी इक्वल टू ओ सी और ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखो मेरा डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ये कोई मेरा त्रिभुज ए बी सी है, इसमें क्या फर्स्ट चीज क्या देखी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, अब ये ए बी ए सी के बराबर है, ये मैंने बना दिया। और कंडीशन क्या दे रखी है, बी और सी के समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब जैसे यानी बी को अगर मैं समद्विभाजित करूं और आगे बढ़ाऊं, और सी को समद्विभाजित करके आगे बढ़ाऊं, तो ये कहां मिलेंगे, ओ पे मिल रहे हैं, यस हाँ। तो और ए और ओ को जोड़िए, अब मैंने क्या किया, ए ऊपर से भी ओ को जोड़ दिया, ये ऐसा कोई त्रिभुज मेरा बन गया। अब मुझे इसमें शो क्या करना है, फर्स्ट ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, अब देखो ओ बी कहाँ है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, पहला तो मुझे ये बताना है, और दूसरा ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है, अब ओ ए यानी ये जो है वो इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये इक्वल है इसके, हमको दो चीज़ें प्रूव करनी। आपको समझ में आ गया कि गिवन क्या क्या था और हमको निकालना क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो अपन को ये क्लियर होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है और अब हमको निकालना क्या है। तो हमको निकालना क्या है, आपको समझ में आ गया ना कि बी ओ इक्वल टू ओ सी है कि नहीं है, पहली चीज़ ये, और दूसरा कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है ओ ए, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया गिवन क्या क्या है, लिख दिया मैंने ए बी इक्वल टू ए सी, और बी सी बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित करा है एट ओ, यहाँ पे समद्विभाजित करा है, मैंने लिख दिया गिवन क्या क्या है। अब मैंने त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अब जैसे इस त्रिभुज को देखो मैं, ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो कौन बी इक्वल टू कौन सी होगा कि नहीं होगा। देखो जब ये भुजा, हमने अभी जस्ट पहले रूल पढ़ा था कि अगर भुजाएं दोनों समान है तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे, यानी मैं कह सकती हूँ कि कौन बी इक्वल टू कौन सी, कह सकती हूँ ना, यस। तो मैंने कह दिया कौन बी इक्वल टू कौन सी। अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों के आगे हाफ लगा दूँ, दोनों का आधा कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, जैसे मेरा कोण बी है 100 डिग्री माना कि, और कोण सी भी मेरा 100 डिग्री है, अब मैं दोनों को हाफ कर रही हूँ, इसको भी हाफ कर रही हूँ, इसको भी हाफ कर रही हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, जो चीज़ आप इक्वल टू के दोनों साइड अप्लाई करते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसको भी आधा कर दिया और इसको भी आधा कर दिया, तो अब ये भी 50 रह गया और ये भी 50 रह गया, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो मैंने इसमें कोण बी का भी आधा कर दिया और कोण सी का भी आधा कर दिया, तो एक तरह से मेरे पास ए बी सी ओ बी सी हो गया ना। देखो
एक तरह से अगर कोण बी का आधा करूं तो ओबीसी बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आधा वाला कोण। और ये हमको बोल रखा है कि ओबी जो है उसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये दोनों कोण आधे आधे बराबर है, तो यानी ये आधा हो सकता है ना, कोण बी का आधा, यानी एंगल बी का आधा क्या होगा, हाफ क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ओ बी और सी होगा कि नहीं होगा, ये वाला छोटा एंगल, और इसका आधा क्या होगा, ये वाला ओ सी भी होगा। तो बस मैंने यही किया, तो इसका कोण सी का आधा क्या हो गया, एंगल ओ सी बी हो गया। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। जब दो कोण इक्वल हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, तो जब ये सी इक्वल हो गया तो ये वाली भुजा बराबर और ये वाली भुजा बराबर, दोनों आपस में बराबर हो गई। बस यही तो मुझे प्रूव करना था, समझ में आया। देखो पहले तो ये समद्विबाहु त्रिभुज था क्योंकि मुझे ये पता था कि ए बी ए सी के बराबर है, फिर ये बी इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, ये मुझे पता है। अब मैंने दोनों का हाफ कर दिया, मैंने बोला एक बटा दो एंगल बी इक्वल टू एक बटा दो एंगल सी। अब ये हाफ कर रही है तो ये आधा एंगल क्या हो गया, ये छोटा वाला हो गया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, हो सकता है बी और सी आधे आधे हो गए ना, ओ सी बी। अब ओ सी बी जब बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी ना, अभी हमने पढ़ा था, तो यानी ओ ए सॉरी ओ बी और ओ सी भी बराबर है। बस यही तो हमको प्रूफ करना था। और सेकंड चीज ये हम फिर हम रीजन लिखेंगे कि बराबर कोण की सामने वाली भुजा भी समान होती है, और सेकंड हम हमको ये प्रूव करना है कि ओ को बाइसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया ए ओ बी और ए ओ सी। अब देखो कौन सा त्रिभुज लिया मैंने, ए ओ बी ये वाला और ओ ए सी, ये दोनों त्रिभुज लिए। अब आप ध्यान रखना है मैं इसकी बात कर रही हूँ, करें स्टार्ट। तो अब इसमें देखो ए बी इक्वल टू ए सी, वो जो साइड वाली भुजा थी ना, देखो ये ऐसा कुछ था मेरा डायग्राम ये, तो मैंने ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करी हूँ, तो ए बी और ए सी समान थे, हमको क्वेश्चन में दिया था। अब जो ओ ए है ये खड़ी वाली, ये दोनों में उभयनिष्ठ थी ना, ये भी उभयनिष्ठ है। अब ओ बी और ओ सी भी बराबर हो गए, हमने अभी जस्ट अभी पहले प्रूव किया, ये देखो यहाँ पे ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि ए ओ बी सर्वांग सम है ए ओ सी के, यानी जो ये दोनों जो बढ़ने ना तिकोने कोण, ये ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए ना दोनों, तो सर्वांग सम हो गए। कौन सा रूल, एस 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 रूल, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों भुजाएं इसमें समान है। अब जब भुजाएं समान है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो ऊपर वाला कोण जो आधे आधे हो रहे हैं वो भी समान है, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उनके बाकी बचे हुए कोण और भुजाएं भी समान होगी। तो उस अकॉर्डिंग ये दोनों ऊपर वाले एंगल जिसको मैं बोलूंगी बी ए ओ और सी, एक सेकंड, बी ए ओ और सी ए ओ दोनों एंगल समान होंगे। तो इसको अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि बी ए ओ और सी ए ओ, ये है सॉरी गलत लिख लिया, हाँ, तो बी ए ओ सी ए ओ दोनों बराबर होंगे बाय द सी पी सी टी रूल। तो उस अकॉर्डिंग यानी जब दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब जो ओ है वो ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी वो एग्जैक्ट उसको समद्विभाजित कर रही है, ये भी हमारा प्रूव हो गया। क्लियर, समझ में आया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर टू है, त्रिभुज ए बी सी है मेरा, इसमें ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है, एक तो लंब भी है और दूसरा समद्विभाजक भी है, यानी ये खुद 90 डिग्री भी है और दूसरा इसको दो बराबर भाग में भी बांट रही है, दो चीजें इसने एक साथ बोल दी। हाँ, अब हमको ये दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी दो भुजाएं समान है, हमको एक तो ये प्रूव करना है, और जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, हाँ यही हमको समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी दो भुजाएं हमको समान बतानी पड़ेगी, तभी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। करें स्टार्ट। ये कोई मेरा डायग्राम बना दिया मैंने, सबसे पहले ए बी सी और उस पे ए बी और सी ये है और उस पे ए डी लंब है,
तो ए डी लंब है बीसी पे और मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी है कि नहीं, ये वाली दोनों भुजाएं, तो तभी वो समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो मैंने दो ट्राइंगल लिए, एक तो ए डी बी ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल और दूसरा लिया ए डी सी सेकंड वाला लिया। अब देखो इसमें सर्वांग समता सिद्ध करती हूँ मैं, तो ए डी इक्वल टू ए डी है, देखो ये खड़ी भुजा, देखो ये वाली लंबाई वाली ए डी है, तो ए डी इक्वल टू ए डी हो गया। अब सेकंड एंगल देखो, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, ये देखो ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, ये दोनों दोनों 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों ये भी 90 और ये भी 90, क्योंकि वो लंब समद्विभाजक थे और लंब का मतलब वो 90 डिग्री पे ही होंगे, तो इसका रीजन है 90 डिग्री। देन बी डी इक्वल टू सी डी, अब देखो ये बी डी और सी डी बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि उसने एक लाइन मेंशन करी थी कि वो उसके लंब समद्विभाजक हैं, यानी लंब भी है 90 डिग्री भी है और उसको दो बराबर भाग में भी बांट रहे हैं, तो यानी बी डी इक्वल टू सी डी होगा। तो तीसरा रीजन हो गया बी डी इक्वल टू सी डी। तो मैं कह सकती हूँ कि ए डी बी फर्स्ट जो दो त्रिभुज थे ना उसमें पहला वाला और दूसरा वाला दोनों सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे, और कौन से रूल से? बाय द एस 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 रूल से। अब जब ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो मैं कह सकती हूँ कि ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, बाय द सी पी सी टी रूल से ये मैं बोल सकती हूँ, और अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर? क्योंकि जब दो भुजाएं इसमें समान आ गई तो ये ऑब्वियसली समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। क्लियर? करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अब ए बी और सी जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और बी डी, देखो इसने बता भी दी कि कौन सी भुजाएं बराबर है, एक तो ए बी और एक ए सी, ये दोनों भुजाएं ए बी, हाँ ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है, और शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं, और इसमें देखो शीर्ष लंब है कौन से हैं, ये देखो बी ई ये वाला और एक है सी एफ ये वाला, ये दोनों इसके शीर्ष लंब है। अब हमको ये दर्शाना है कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं, ये हमको दर्शाना है कि मतलब ये आपस में बराबर हैं, मतलब बी बी ई बराबर है सी एफ के, ये हमको सिद्ध करना है। करें स्टार्ट, सबसे पहले मैंने डायग्राम बना दिया, सेकंड हमको गिवन क्या क्या है मैंने वो लिख दिया, दिया क्या है, तो सबसे पहले बीई बीई सी एफ का शीर्ष लंब है, यानी बीई जो है, हाँ बीई और सी एफ ये दोनों शीर्ष लंब है ए सी और ए बी पर, और ए सी इक्वल टू ए बी है क्योंकि हमको ये कहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं उसकी समान है, और कौन कौन सी है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो अब हमको प्रूव करना है कि बी इक्वल टू सी एफ के। तो सबसे पहले मैंने दो त्रिभुज लिए ए ई बी और ए एफ सी, ये देखो ए ई बी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा मैंने लिया है ये वाला, ये दोनों ऊपर वाले त्रिभुज मैंने दोनों ले लिए। अब देखो स्टार्ट करो, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में एंगल ए कॉमन है ना, तो पहला तो मेरा ये रीजन आ गया, ये मेरा उभयनिष्ठ है निष्ठ। सेकंड ए सी ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी, अब देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं कि नहीं है, क्योंकि दोनों एंगल मेरे 90 डिग्री के हैं, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बोला था कि वो शीर्ष लंब है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड चीज ए बी इक्वल टू ए सी, कैसे पता चला? क्योंकि हमको ये गिवन था कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी ए बी इक्वल टू ए सी, तो मैं कह सकती हूँ कि त्रिभुज ए ई बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए एफ सी के। और कौन सा रूल, कितने एंगल आ रहे हैं इसमें, देखो फर्स्ट वाले में एंगल था तो ए लिख दिया, सेकंड वाले में भी एंगल था ए, और थर्ड वाले में भुजा, तो एंगल एंगल साइड कांग्रेसी क्राइटेरिया, मतलब एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से हमने ये प्रूव कर दिया। तो इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि बी ई इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, जब दो त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध हो गई, तो यानी ये वाली भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएगी, बी ई इक्वल टू सी एफ प्रूव हो गया ना। देखो आप पहले तो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध कर दो, उसके बाद में आप उसके कोई भी भुजा और कोई भी कोण बराबर प्रूव सिद्ध कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमको उसकी सर्वांग समता सिद्ध करनी है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन में जो भी पूछा है ना उसके अकॉर्डिंग आप
इक्वल पुट उसको बराबर पुट कर सकते हो कि हाँ ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये सर्वांगसम थे और बाय द सीपीसीटी रूल हम इसको बराबर कह सकते हैं। अब ये है मेरा फोर्थ क्वेश्चन, ये कोई त्रिभुज एबीसी है, ये एबीसी मेरा कोई त्रिभुज है। अब इसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सीएफ बराबर हैं, एबी और एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब मतलब जैसे बीई ये वाला और सीएफ ये दोनों बराबर हैं, ये आकृति 7.32 में, तो हमको दर्शाना है पहली चीज के ए बी ई, ए बी और ई ये वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है ए सी एफ ये वाला त्रिभुज, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं। और दूसरी चीज हमको ये दिखानी है कि ए बी ये बराबर है ए सी के, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमको ये दो चीजें शो करनी है। करें स्टार्ट, देखो सबसे पहले ये कोई मेरा त्रिभुज ए बी सी है, इसमें हमको गिवन क्या क्या है, बी इक्वल टू सी एफ के, बी ई इक्वल टू सी एफ, हाँ जो इसके शीर्ष लंब है वो आपस में बराबर हैं। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमको शीर्ष लंब बराबर प्रूव करने थे, इसमें हमको शीर्ष लंब दे रखे हैं और हमको ये प्रूव करना है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, ये करना है। मतलब उल्टा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि पहले आपको या तो बोल दे कि समद्विबाहु त्रिभुज है और आपको उसके शीर्ष लंब बराबर प्रूव करने, और या फिर ये बता दे उल्टा कि आपको शीर्ष लंब उसके बराबर है और हमको ये प्रूव करना है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, दोनों में से उल्टा आपको कुछ भी प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसमें हमको गिवन क्या था कि बी ई इक्वल टू सी एफ के, अब मैंने दो त्रिभुज लिए ए बी ई, ए बी ई ये वाला, और सेकंड लिया है मैंने दिस वन ऊपर वाले दोनों, तो ए सी एफ दोनों लिए। अब इसमें सेम लास्ट पार्ट में जो हमने किया था एंगल ए एंगल ए दोनों बराबर है क्योंकि वो उभयनिष्ठ है दोनों में, सेकंड ए ई बी और ए एफ सी दोनों 90 डिग्री के हैं, अब देखो ये एंगल दोनों 90 के हैं कि नहीं है, ये वाले तो दोनों कौन 90-90 के हैं तो दोनों बराबर हैं, और थर्ड बी ई इक्वल टू सी एफ ये हमको गिवन है, दिया है ना बी और सी एफ दोनों इक्वल है शीर्ष लंब, तो मैं कह सकती हूँ कि ए बी ई सर्वांगसम है ए सी एफ के, और इसमें कौन सा रूल लगा कौन सा नियम है, एंगल एंगल साइड मतलब दो तो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो वो कौन सा सर्वांगसमता नियम है, एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता से, तो पहला तो मेरा सर्वांगसमता सिद्ध हो गई। अब सेकंड पार्ट में इसने पूछा है कि ये प्रूव करना है कि ए बी और ए सी बराबर हैं और अगर बराबर हैं होंगे तो ही वो सर्वांगसम होगा, तो बस इसके रिमेनिंग पार्ट भी बराबर होंगे, जब हमने ये प्रूव कर लिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ए बी ए सी के बराबर हो जाएगी, किससे, बाय द सीपीसीटी रूल, क्योंकि उसके दूसरे अन्य भाग भी सर्वांगसम त्रिभुज में दो त्रिभुजों में उसके अन्य भाग भी बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि बाय द सीपीसीटी रूल ए बी सी इज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ए बी सी मेरा एक क्योंकि उसमें दो भुजाएं बराबर है ए बी और ए सी, तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। क्लियर, आगे चले, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब ये मेरा ए बी सी और डी बी सी ये मेरे दो त्रिभुज हैं, इसका आधार बी सी दोनों में समान है, इसे दो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दोनों का आधार बी सी है और ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब उसकी दो बची हुई दो भुजाएं हैं ना वो आपस में बराबर हैं दोनों त्रिभुजों की। अब हमको ये दर्शाना है कि ए बी डी, ए बी डी और ए सी डी यानी इस त्रिभुज को अगर मैं आधा कर दूं तो इधर वाला त्रिभुज फर्स्ट पार्ट और ये इधर वाला दोनों मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे, ये हमको प्रूव करना है। और इसमें हमको दिया क्या क्या है, देखो इसमें ये दिया है कि जो इसका आधार है बी सी वो दोनों में कॉमन है, दूसरा इसकी ये जो भुजाएं हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये नीचे वाली दोनों बराबर है, तो हमको एक लंब एडी खींचना पड़ेगा, तो मेरा कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, इसको मैंने लंब समद्विभाजित ऐसे हाफ पार्ट में बांट दिया जो भुजा ए डी को ए बिंदु ए और डी को मिलाता है, तो अब मैं दो त्रिभुज लूंगी ए बी डी ये वाला और दूसरा लिया मैंने ए सी डी इधर वाला,
यानी फर्स्ट और सेकंड, ये दो मैंने त्रिभुज ले लिए। अब देखो इस वाले दोनों त्रिभुज को देखो तो AD इक्वल टू AD है कि नहीं है, देखो ये लंबी लाइन दोनों में कॉमन है ना, तो AD इक्वल टू AD जो उभयनिष्ठ है। दूसरी AB इक्वल टू AC, अब देखो AB AC के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB इक्वल टू AC। नेक्स्ट अब देखो जब ये बराबर है तो ये भी बराबर दिख रही है ना, BD इक्वल टू CD तो ये भी बराबर है, तो बराबर हो गई। अब इसमें कौन सा रूल लगा, तीनों भुजाएं बराबर है बाय द SSS रूल, तो ABD सर्वांग सम होगा ACD के, तो उस अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि ABD एंगल ACD के बराबर होगा, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। जब दो त्रिभुज मैंने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए तो उसके बचे हुए कोण और बची हुई भुजाएं भी सारी बराबर होगी, तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो ये क्या प्रूव करने वाले क्वेश्चन है ना, ये आपको थोड़े ऐसे टफ लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चन की 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर ली ना तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे, और इन वाले क्वेश्चन में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। अगर आपको इसका आइडिया पता है, इसको आपको इसका जो ट्रिक पता है कि हमको इसमें क्या प्रूव करना है, तो इसमें गलत क्वेश्चन नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अब देखो 6 क्वेश्चन है, ये इसी आकृति 7.34 का, ये एक ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए बी कहाँ है, ए बी बराबर है ए सी के, ये दिया। हम इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करें ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर है ए बी और ए सी। भुजा बी सी बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाए, जैसे मैंने एक कोई भुजा ए बी को मैंने और आगे बढ़ा दिया तो ये डी बिंदु पर रुकी, और इसको सी डी को भी मिला दिया तो ए डी और ए बी भी बराबर हो जाए, मतलब इसका मतलब ये है कि ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, मतलब इतनी जितनी इसको ये लंबाई है ना उतनी लंबाई मैंने आगे और बढ़ाई है, बस ये कहना चाह रहा है। तो यानी ये भुजा और ये भुजा तीनों भुजा बराबर है, तो अब मुझे ये दर्शाना है कि बी सी डी ये वाला, यानी जो एंगल सी है ना इधर वाला, ये एक समकोण त्रिभुज है, बस मुझे ये प्रूव करना है, तो करें स्टार्ट। अब देखो सबसे पहले मैंने डायग्राम बना लिया सिस्टमेटिक तरीके से, जैसा क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में डायग्राम दिया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको खुद को बनाना होगा, तो इसलिए आपको डायग्राम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आपको बनाना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या आपको आइडिया हो जाता है कि अब आपको करना क्या है। तो आप जैसे ही आपने डायग्राम बनाया तो आपको समझ में आ गया कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, तो उससे आधी चीज़ें तो आपके वहीं पे क्लियर हो जाती है। इसलिए मेरा मानना तो ये है कि आप डायग्राम बनाइए, देन उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। तो ये मैंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए बी सी बनाया और ए बी को आगे एक्सटेंड किया बिंदु डी तक, और इस सी डी को भी मिलाया, और मुझे प्रूव करना है कि सी राइट एंगल है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी होगा, गिवन है। दूसरा अब देखो जब ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल बी और एंगल सी भी तो बराबर होंगे, क्योंकि अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण वो भी बराबर होंगे, तो मैं कह सकती हूँ कि ये ए सी बी इक्वल टू ए बी सी बराबर होंगे, ये भी मैंने जस्ट पढ़ा है। अब देखो ये दूसरा त्रिभुज मैंने लिया ए सी डी, ये वाला त्रिभुज मैंने ले लिया ए सी डी, ठीक है। अब देखो इसमें देखो अब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है ना, बिल्कुल है, तो मैं इसमें लिख सकती हूँ ए डी इक्वल टू ए बी, क्योंकि वो दोनों भी तो बराबर थी, और कोण डी कोण सी के बराबर होगा ना, क्योंकि अब जब दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यस। अब देखो अब अगर इस पूरे त्रिभुज ए बी सी की बात करूं मैं, अब ये वाला त्रिभुज देखो ए बी सी, अब ये त्रिभुज किन त्रिभुजों से मिलकर बना है, ए बी और सी से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ सी ए बी प्लस ए सी बी प्लस ए बी सी, मतलब बात किसकी हो रही है, ए बी और सी, लेकिन उसको लिखने का तरीका सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट एंगल ए लिख रहे हो, नहीं, सी ए बी फिर ए सी बी फिर ए बी सी, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो भी मेंशन करना है अपन को, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो सी ए बी मैंने ऐसा कैसे रहने दिया, और ए सी बी और ए बी सी ये दोनों अभी इक्वल थे ना, अभी हमने ऊपर वाले में प्रूव किया, ये देखो
तो मैं इन दोनों को एसीबी ही लिख सकती हूँ। तो जब एसीबी और एसीबी कितने हो गए, 2ACB, तो मैं 2ACB लिख दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब CAB इक्वल टू 180 माइनस 2ACB। अब ये मेरी हो गई स्टेप नंबर 1। एक बार आप इसको स्टेप 1 लिख के लिख लीजिए। अब मैंने ट्राइंगल ADC लिया, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। अब देखो इसमें भी सेम मैंने ये किया, इसमें एंगल ए, एंगल सी और एंगल डी तीनों इक्वल टू 180 डिग्री होंगे, तो इसको भी लिखना मुझे CAD प्लस ACD प्लस ADC इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको भी मैं दोनों को ACD और ADC को दोनों को ACD लिख सकती हूँ, तो बस मैंने लिख के इसको 2ACD कर दिया इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे सिर्फ CAD चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया सेकंड इक्वेशन। अब देखो CAB और CAD CAB अगर ये लाइन देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, 90 डिग्री है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 180 डिग्री है। तो CAB इक्वल टू CAD इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्योंकि BD एक स्ट्रेट लाइन है। देन दोनों को अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मैंने जोड़ा, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को मैंने ऐड किया, तो फर्स्ट में 180 माइनस 2ACB प्लस 180 माइनस 2ACD इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 और 180 दोनों जुड़ गए, कितना हो गया 360 डिग्री। 360 और 2ACB माइनस 2ACD इक्वल टू 180 डिग्री। तो 360 और दो कॉमन ले लिया, और ACB और ACD दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल टू 180। अब ये 180 में से 360 माइनस हुआ, तो इसका यहाँ रह गया 180, और यहाँ पे बच गया मेरा ACB और ACD क्या है, BCD है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो BCD इक्वल टू, ये 2 नीचे चला गया, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मेरा प्रूव हो गया कि 90 डिग्री है। चलो अब सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, A 90 डिग्री है, AB इक्वल टू AC है, तो हमको B और C ज्ञात करने हैं। तो देखो ये मेरा ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें A समकोण है और AB इक्वल टू AC है, ये बराबर है इसके, तो हमको ये प्रूव करना है कि B और C कोण भी बराबर हैं। तो सबसे पहले मैंने A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 90 डिग्री है, इसको मैंने A को 90 पुट किया क्योंकि वो मेरा गिवन है, और B प्लस C इक्वल टू 180 है, तो B और C की वैल्यू बराबर है, तो दोनों जगह मैं B लिख सकती हूँ, B प्लस B इक्वल टू 180। तो ये B प्लस B कितना हो गया 2B, और ये 90 इक्वल टू इस साइड गया, तो 180 माइनस 90, तो 2B इक्वल टू हो गया 90, तो सिर्फ B कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी 45 डिग्री। और ये हमको पता है कि B इक्वल टू C इक्वल टू 45 डिग्री क्योंकि B और C तो दोनों बराबर हैं, तो यही मेरा प्रूफ करना था, यानी जो रिमेनिंग दोनों एंगल है ना B और C, ये और ये दोनों 45 के हैं, और यानी वो दोनों बराबर हैं। अब अगला क्वेश्चन, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। देखो समबाहु त्रिभुज है और उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो देखो ये मेरा कोई समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। देखो समबाहु त्रिभुज में भुजाएं तीनों बराबर हैं और हमको पता है कि उसका प्रत्येक कोण भी बराबर होगा 60 का, तो यही हमको प्रूव करना है। तो हमको गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC है, और हमको ये प्रूव करना है कि कोण A, कोण B और कोण C तीनों बराबर हैं। तो अब हम एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैंने किया कोण A, कोण B और कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों ही AB और C तीनों बराबर हैं, तो मैं तीनों को A लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A, तो क्या हो गया 3 एंगल A हो गया ना, 3 बार A जुड़ा तो 3A हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिवाइड बाय 3 यानी 60 डिग्री। जब A की वैल्यू 60 है तो B की भी 60, C की भी 60, क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं, इसने कहा ना समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों एंगल इसके बराबर हैं, तो यानी वो कौन सा त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसके तीनों कोण बराबर आ गए और इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर हैं। क्लियर हो गया। चलो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस 7.2 का, तो अगले पार्ट में हम
7.3 एंड 7.4 स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन कराएं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड फेयर कॉपी में करना है, क्योंकि बच्चों जब तक आप पहले वाले क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो आगे वाले आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, कोई डाउट हो तो वीडियो को वापस देखिए और खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके।